जन आशीर्वाद यात्रा में अन्नपूर्णा देवी का विधायक डॉक्टर नीरा यादव के साथ साथ अन्य लोग अभिवादन करते रहे। जगह जगह पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू, कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव और अन्य कई लोग मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पहली बार कोडरमा को प्रतिनिधित्व मिलना बड़ी बात है। अन्नपूर्णा देवी का ये भी कहना है कि अंत्योदय के लक्ष्य को हासिल करना है, साथ ही अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर सशक्त समाज का निर्माण भी करना है। पीएम मोदी आज के साथ ही 25 साल के बाद से भारत यानी जब आज़ादी के 100 वर्ष हो जाएंगे तो उसे ध्यान में रख योजना तैयार कर काम कर रहे हैं। अन्नपूर्णा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा है कि मानसून सत्र में जिस तरह प्रतिपक्ष के नेताओं ने अमर्यादित आचरण का परिचय दिया उससे उचित नहीं कहा जा सकता है। बावजूद सरकार ने ओबीसी आरक्षण समेत 20 महत्वपूर्ण बिल पारित किए हैं। सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी जाति धर्म का ख्याल रखा है। 11% महिलाएं तो वहीं 27 ओबीसी, 10 एससी और 8 एसटी को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। सभी क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। ओबीसी आरक्षण से मेडिकल के विद्यार्थियों को काफी फायदा भी हुआ है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।